राज बाइक को गिरा चुका है, देख सकते हैं। अब मैं तुमसे बोला था देखिए यहीं से स्लिप खाया है, आप देख सकते हैं यहीं से स्लिप खाते खाते वहाँ पर चला गया है। मैं तुमसे बोला था कि बहुत ज़्यादा स्लिप है इधर, इसीलिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। अभी रात के बज रहे हैं 12। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ पहले, तभी आप विश्वास करेंगे, ठीक है। आप लोग सबसे पहले आप लोग टाइम देख सकते हैं, रात के बज रहे हैं 11:54। मैं इस समय ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ क्योंकि मैं जस्ट जा रहा हूँ एक वीडियो शूट करने टेक चैनल के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। इसीलिए मैं सुबह वीडियो कभी भी नहीं डाल पा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोचा कि आज कितना भी रात हो जाए लेकिन मैं वीडियो बनाकर सुबह अपलोड होगा तो होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैमरा उठाया, ब्लॉगिंग स्टार्ट। उसके बाद तो चलिए जल्दी से सारा सेटअप करते हैं, उसके बाद वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद एडिट करेंगे, उसके बाद अपलोडिंग में लगाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो सारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो इसलिए कहते हैं यूट्यूबर का लाइफ इतना आसान नहीं होता है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये सब पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही यूट्यूब पर कदम रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। देखिए रात को मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सभी कोई सोया है साइड में, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। चलिए सारा कुछ सेटअप करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब आती है कैमरे को यहाँ पर लगाने का। इस लेंस को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस लेंस से तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। मेरे पास 50mm लेंस है, उसी से मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा लेंस, मैं डेली इसी लेंस से वीडियो बनाता हूँ। डेली इस लेंस को निकालता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ, वीडियो बना के दोबारा इसको निकालता हूँ, दोबारा इसको लगा कर तब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दिक्कत होता है डेली वीडियो बनाने में, इतना दिक्कत तो सहना पड़ता है। तो चलिए पहले वीडियो शूट कर लेते हैं। सो गाइस, अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, मैं इस समय वीडियो जा रहा हूँ शूट करने, 12 बजे, राइट 12 बजे मैं जा रहा हूँ वीडियो शूट करने। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोग तो आराम से देख लेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे। प्लीज़ जाकर लाइक कर दीजिएगा, मेरा टेक चैनल पर वीडियो आ जाएगा, मिस्टर आदित्य टेक, ओके। तो चलिए जल्दी से वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम होता है एंड कितना टाइम लगता है एडिटिंग में, ठीक है। अभी वीडियो शूट हो चुका है, मैं जा रहा हूँ अभी एडिटिंग करने, एंड पापा आए मेरा बेड लेकर चले गए, देख सकते हैं मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तो अभी इसी पर एडिटिंग करेंगे, एंड टाइम देख सकते हैं कितना, 12:24 रात के इस समय मेरा एडिटिंग हो रहा है वीडियो का। तो आप समझ सकते हैं यार, मैं इसको नींद बहुत तेज आ रहा है लेकिन मैं सो नहीं सकता हूँ, एंड मेरा फ़ोन में वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। रात का सीन दिखाता हूँ, रात के 12 बजे, ठीक है, डरिएगा मत, ओ भाई। एंड मैं आपको पहले लाइट बाहर का ऑन करता हूँ, देखिए रात अभी हुआ है, बाहर लाइट नहीं है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको ये पहले दरवाज़ा रोकता हूँ एंड इस लाइट को पहले लगाते हैं। बाहर लाइट जल गए एंड देख सकते हैं बाहर का सीन, रात के 12 बजे, 12:30 देख सकते हैं हमारे यहाँ किस तरह का क्या हुआ। ये गाइस जानवर दो दो आ चुके हैं। तो गाइस अभी रात का आपने सीन देखा किस तरह का एकदम डरावना हुआ है। तो चलिए यहाँ का सारा काम कंप्लीट करते हैं एंड चलते हैं दूसरे रूम में, वहाँ पर सोएंगे, अपना एडिटिंग करेंगे। से मिलता हूँ सुबह, क्योंकि वहाँ पर तो मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊँगा, तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ, ठीक है। हे गाइस, अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, 1:54 हो गया है दोपहर का। मैं इस समय अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह सोया था 6 बजे। आप समझ सकते हैं कि सुबह 6 बजे सोया था, उसके बाद 10-11 बजे मैं उठ गया। तो थोड़ा टाइम लगता है यार सोने में, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया एंड ब्लॉगिंग स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा देर से कर रहा हूँ। अभी मैं नहा कर आया हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पर जाने के बाद मेरा पूरा फेस इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है, इतना ज़्यादा धूप हो रहा है कि आपको बता नहीं सकते। इसलिए मैं जल्दी आकर उसके बाद नहा कर उसके बाद फ्रेश होकर उसके बाद जल्दी से जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप लोग के सामने है। एंड मेरा कैमरा का बैटरी भी चार्ज नहीं है, तो आप देख सकते हैं मैं रिंग लाइट जला कर वीडियो बना रहा था। एंड इसको ऑफ करते हैं एंड आपको मैं बाहर का सीन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऑटो पर वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा कम बेस ज़्यादा होता रहता है।
एंड अभी देखिए रोटी बन गया क्या? बन गया, खा लिए आप? हम आपको खा लिए। हाँ खा लो। हाँ एक भी बार दे नहीं रही है पर ये खाने की। दिखाना नहीं है खाना है, ये सब कह रहे हैं कि बस दिखाना ही है ना, बस दिखा दो। केला का सब्जी है एंड रोटी है तो मैं नहीं खाऊंगा, खाओ अपने खाओ। हाँ रहा है वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो में डाल दूँ। अभी आ गया देखिए, मेरे मोबाइल में आ गया। कैसे आ गया? 10,000। ए अभी क्यों सर जी, वो लड़की का तबीयत खराब है। अरे यार कल भी तबीयत खराब था, आज भी तबीयत खराब है। खराब है तो बताए। अच्छा इतना ज्यादा थक जा रहा है बस आने में कि क्या हुआ? दिखाइए कितना, 10,000 का मैसेज है। 100% कहाँ गए हैं? आते आते कपड़ा निकाल दिया। हाँ गर्मी हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। बंडी पहन लो। हाँ सिक्स पैक दिखा रहा है, इतना भी खाता है। हाँ शाम के बज चुके हैं 5। मैं इस समय जा रहा हूँ फोटोशूट पर एंड आपको बाहर का सारा सीन आपको दिखाऊंगा। आप लोग बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आप बाहर का सीन नहीं दिखाते हैं, बस आप अपने फैमिली टाइप का बस ब्लॉग लाते हैं, थोड़ा बाहर का भी सीन लाइए। फाइनली मैं जा रहा हूँ बाहर, आज मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। दूध ही जाना है हम लोग को, इधर इधर एंड पटरौना कहाँ पड़ेगा? पटरौना उधर ही पड़ेगा। किधर? उधर। एंड कुशीनगर? कुशीनगर उधर। आपका घर कहाँ है? चटंगा। प्रधान कौन है? प्रधान सदाम। सदाम। अच्छा आप सुनिए सुनिए सर, आपसे कुछ क्वेश्चन था, जवाब देंगे कि आप किसको वोट दिए थे? किसको वोट दिए थे आप? शिवशंकर। तो सद्दाम बोल रहे हैं आप प्रधान हैं, हाँ मतलब आप शिवशंकर जी को वोट दिए थे, तो सद्दाम जी प्रधान कैसे हो गए? शिवशंकर हार गए थे। अच्छा हार गए, तो आप वोट तो दिए थे ना, तो क्यों हारे? आप वोट दिए थे तो क्यों हारे शिवशंकर जी? उसके उसके में कम वोट था। अच्छा क्यों कम वोट था? ये हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है, कितने पढ़ते हैं आप? टू। कौन से स्कूल? एसके मिशन स्कूल। अच्छा एंड आप कितने पढ़ती हैं? क्या एक में। एक में। ओके आप पिता का नाम? क्या? श्रीकेदार कुशवाहा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। ओके बाय। देखिए गाइस, राज बाइक को गिरा चुका है, देख सकते हैं। अब मैं तुमसे बोला था देखिए यहीं से स्लिप खाया है, आप देख सकते हैं यहीं से स्लिप खाते खाते वहाँ पर चला गया है। मैं तुमसे बोला था कि बहुत ज़्यादा स्लिप है इधर, इसीलिए बता क्या करूं? क्या करूं भाई? अरे पानी मत जा, पानी मत जा, मत जा रहे हो। ज़्यादा हो रहा है सर। राइडर जी राइडर, पानी मत डाल देना।
सो गाइस फाइनली हम लोग उस लोकेशन पर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन काफ़ी प्यारा है एंड हवा भी बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड कुछ बच्चे मिले हैं यहाँ से। पानी कितना गहरा है कुछ बता सकते हैं? हम लोग का डूबा है, सात फीट। आपका भी डूबा है? अच्छा, मैं डूब सकता हूँ इसमें? एंड ये जो लड़का डुबा कर देखो, मतलब डुबा कर देखो एंड जो ये लड़का है खड़ा, ये भी डूब सकता है? नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो डूब जाएंगे, यहाँ पे तो अच्छा मछली मिलती है इसमें? हाँ। आप लोग निकाले हैं मछली इसमें से? कितना मोटा मोटा निकाले हो? मोटा 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 मारता है। अच्छा छोटा छोटा मतलब मारते हैं साइड से? इसमें जाल नहीं लगा सकते हो जब इतना गहरा है? जितना अच्छा। और क्या मतलब इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मतलब आप लोग यहीं पर क्यों हंस रहे हैं? थोड़ा बता सकते हैं मतलब क्यों हंस रहे हैं आप लोग? मतलब इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो कई लोगों को पता नहीं होती है, जो आप बता सकते हैं? मतलब नहीं। ये नदी है या फिर क्या चीज़ है? ये नदी नहीं है। हाँ, पोखरा बोलते हैं। पोखरा है, पोखरा बोलते हैं आपके यहाँ? अच्छा, क्या आप सबका नाम क्या है? एक एक करके अपना नाम बता दीजिए। मेरा अंकित नाम है। अंकित कुशवाहा। अंकित कुशवाहा। एंड आपका? अरुण कुशवाहा। अरुण कुशवाहा। एंड आपका जी? कुंदर। देख सकते हैं गाइस इन्होंने मछली निकाल चुका है। ये कौन सा मछली है? सिधरी। सिधरी मछली। हाँ। ओ हेलो। तो इस तरह तो बहुत सारे मछली आपको मिल जाएगी। ये सारा मछली मारे हैं क्या? तीन चार। थोड़ा दिखाइए दो। अभी एक घंटे बाद आए होते तो दिखाते हैं। एक किलो कम से कम हाँ हाँ। ये भी मछली है? कौन सी मछली है? चेंगा बोलते हैं। चेंगा? चेरिंगा। चेरिंगा। आप मतलब दिन भर ये मछली मारते रहते हैं? नहीं, टाइम पास नहीं, बस टाइम पास। एंड मतलब ये सब मछली मारकर आप लोग जाकर क्या करेंगे? सब बेचेंगे या फिर खाएंगे? ज्यादा मछली थोड़े मिलती है जो बेचेंगे। हाँ, पका कर खा लेते हो? देखिए हम लोग मछली नहीं मिल रहा। नहीं यार, हम लोग मछली खाते नहीं है। सॉरी गाइस, हम मछली खाते ही नहीं है ना, मांसाहारी हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। वैसे भी सावन चल रहा है। वैसे भी सावन चल ही रहा है, आपको पता भी होगा, नहीं खाते हैं। एंड आप लोग सावन मतलब बराते हैं या नहीं? हमारे घर के बराते हैं। आप लोग नहीं बराते हैं? हम लोग आते हैं। एंड आप लोग कितने कितने क्लास में पढ़ते हैं? फाइव। एंड आप? टू। एंड आप? वन क्लास में। एंड भैया आप? फाइव में। ओके नाइस। एंड अच्छा खासा पढ़ाई चल रहा है या नहीं? इस टाइम तुम लोग को पढ़ाई चाहिए तो मछली मार रहे हो? हाँ, मतलब इस समय पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? इस समय हो रहा है। इस समय हाँ, 7 बजे से 11 बजे तक। एंड लॉकडाउन में पढ़ाई हो रहा था कि नहीं? नहीं हो रहा था। अच्छा, देखिए लॉकडाउन में सब काम हो रहा था पढ़ाई छोड़कर, बस क्या जी? हाँ। पढ़ाई छोड़कर सारा काम A to Z सब काम हो रहा था, बस पढ़ाई छोड़कर। एंड आप लोग कुछ घर पर पढ़े कि नहीं? पढ़ते थे। इसमें पढ़ रहे हैं? हाँ, जाते हैं 1 घंटा बस इधर घूमते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। अच्छा, 1 घंटे बस पास करने के लिए। आपका इधर खेत है ना? आपका इधर का है ना? एंड आपका? मेरा इधर खेत नहीं है। एंड आपका? यही है। दोनों भाई हैं क्या? अच्छा, दोनों आप भाई हैं। एंड उनका? ये दोनों भाई हैं। एंड आप दोनों का खेत नहीं है इधर? नाइस। तो चलिए गाइस, अब हमारा फोटो शूट थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो आपको घर का सीन दिखाएंगे एंड थोड़ा बहुत फोटो जो क्लिक करूंगा मेरा इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, यूजर नेम मिस्टर आदित्य 73 या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? फोन करना यार थोड़ा दूंगा। सो गाइस फाइनली हमारा फोटो शूट कम्प्लीट हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। एंड बाय, आप लोग को फिर कभी मिलेंगे, ठीक है? कब तक आते हैं? मतलब डेली आते हैं आप सब? हैं डेली आते हैं? ढेर लोग आते हैं नहाने। मतलब आप लोग डेली आते हैं यहाँ पे? हम लोग डेली है। तो देखेंगे संडे को आएंगे, ठीक है? आइएगा संडे को, आइएगा 20-25 बच्चे यार नहाते हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो चलिए गाइज नेक्स्ट संडे आएंगे दोबारा यहीं पे, तो बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय बाय।
गाइज अभी मैं घर आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर। मैं फ़ोटो शूट भी किया हूँ, सारा फोटो मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, यूजर नेम मैं आपको पता ही होगा, मैं बता ही दिया हूँ। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं अब जा रहा हूँ वीडियो शूट करने, काफ़ी बड़ा वीडियो बनने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा एडिटिंग में, तो चलिए जल्दी से वीडियो शूट कर लेते हैं। गाइज मैं अपना वीडियो ला कर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का वीडियो इस समय चल रहा है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि यूट्यूब के न्यू अपडेट के अनुसार आपको हर महीने $100 से लेकर $10,000 मिल। तो गाइज आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू ब्लॉग आप तक तुरंत पहुंचे। और हाँ, चैनल जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ओके। अगर ज्यादा ही अच्छा लग गया है मेरा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।